अपनी ओली अभी डर रही है बिकॉज सामने इसके एक पपी है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो दिल से स्वागत करता हूँ आपको मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं ओली की वैक्सीनेशन के लिए पैट्स हॉस्पिटल। तो आप रेडी हैं, सिस्टर भी रेडी होगी, पर अपनी ओली रेडी नहीं है क्योंकि वो बहुत ही अग्रेसिव हो रखी है। तो उसे मनाने के लिए कितने लोग लगे आज ओली? हाँ, मेरी ओली आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो फाइनली ओली निकल चुकी है, तो अभी से लेके चलते हैं पैट्स हॉस्पिटल, चले। सो फाइनली गाइस, ओली और हम निकल चुके हैं वैक्सीनेशन। ओली, सो गाइस शायद से अभी पता नहीं कि हम इसे सुई लगवाने ले जा रहे हैं इंजेक्शन, देखते हैं वहाँ पहुँच के इसका रिएक्शन क्या होता है। तो निकलते हैं फटाफट। अब गाइस ये पूरा परेशान कर दिया है, लाइटों पे रुके हैं। बोली नीचे जाएगी, नीचे नीचे नीचे। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पैट हॉस्पिटल, पीछे हमारे पैट हॉस्पिटल है। ओली को हमने थोड़ी देर नीचे छोड़ दिया है बिकॉज ये डर गई थी रास्ते में आते आते, तो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाए फिर उसके बाद इसे ले चलते हैं। तो यहाँ हर एक तरह के पैट्स आए हैं, सामने दिख रहे होंगे आपको। तो ले चलते हैं ओली को अंदर फटाफट, वैक्सीनेशन इसका करवाते पूरा। गाइस ये चंडीगढ़ का मतलब गवर्नमेंट पैट हॉस्पिटल है, जहाँ मतलब आपको बस जो वैक्सीन है, जो अपनी वैक्सीन वो लेनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ लगवाए हुआ सब फ्री है। तो सबसे बेस्ट जगह है, तो हम यहाँ इसे लेके आए हैं। चल चले ओली, चलो चलो। सामने इसके एक पपी है, तो यहाँ बहुत ही तरह के हैं यार, हर एक लैब्रा, जर्मन शेपर्ड, सिसु, पमेरियन, सारे ब्रीड यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ओली डर रही है, तू डर रही है, अभी तुझे सुई लगेगी, सुई। अच्छा जा जा नीचे जा, आ जा। अच्छा चलो। फाइनली गाइस ओली को इंजेक्शन लग चुका है, पर ओली ने हल्का सा भी रिएक्ट नहीं किया जब से इंजेक्शन लगा। सो गाइज अंदर ना यार एक चौकीदार था यार, वो वीडियो बनाने नहीं दे रहा था, पता नहीं क्या जा रहा था उसका, तो मैंने ठीक से वीडियो नहीं बना पाई, तो उसके लिए सॉरी। पर नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं ज़रूर डालूंगा अंदर। क्या भाई, हर तरह के पपी, हर तरह के लेटे पड़े, किसी ग्लूकोज चढ़ रहा है, किसी के इंजेक्शन लग रहा है, क्या बताएं। मतलब फुल मज़ा आया भाई अंदर जाके, मतलब डोगी अलग अलग ब्रीड देख के, अपनी ओली भी भाई बैठ गई है थक के। तो भाई उस चौकीदार में तो खुंदक आ रही मुझे, जो भी था वो वीडियो नहीं बनाने देता, पता नहीं क्या उसे जेलस हो रही थी मेरे से। तो भाई चलते अब घर की ओर, इंजेक्शन लग चुका है। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम घर पे। तो ओली पता नहीं ये सुस्त हो गई शायद इंजेक्शन लगने के कारण, अब इसकी बॉडी में पूरा घुल गया है, तो ये थोड़ी सी मतलब ढीली सी पड़ गई है। तो अब हम जॉब पे जा रहे हैं बिकॉज आज हमने हाफ डे लिया था, तो अब जॉब पे निकल रहे हैं। तो गाइस फाइनली निकल रहे हैं जॉब पे, बस यही है जिंदगी अपनी। तो आपका भी बनता है यार, सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब पे, आगे बढ़ा दो। आते ही जॉब पे ढेर सारा काम मिल गया, तो फटाफट हम करते हैं अपना काम। तो ये अपना बेसमेंट भाई, ये पूरा बेसमेंट, हम दो लड़के, एक ये और एक ये, हम दो संभालते हैं। तो ढेर सारा हमारे पास पेंडिंग काम है, तो काम कंप्लीट करके सीधा आपको शाम को घर पे मिलते हैं। सो फाइनली गाइस घर पहुंच गए, जॉब से छुट्टी हो गई, अपनी ओली को देखते हैं। तो ये रही अपनी ओली, बहुत खुश है। अरे अरे ओली, ओली ओली, टीका लगा, कहाँ लगा रहा, कहाँ लगा रहा टीका है? हम बांध के रखते हैं बिकॉज नीचे का व्यू देखो आप, कभी भी नीचे गिर सकती है क्योंकि ये यहाँ से व्यू लेती है। जॉब से आने के बाद भी फुर्सत नहीं, अभी मैं मुँह वहाँ धोया नहीं, बस कपड़े चेंज किया, तो फाइनली मुझे भेज दिया मार्केट। तो घर से कुछ ही दूरी पे मार्केट है अपनी लोकल, तो अब वहाँ मार्केट जा रहे हैं।
तो गाइस ये चलती फिरती छोटी सी दुकान जो इनका सेटअप है, एक ऑटो पे ही सारा सेटअप आ जाता है इनका। ये हमारे एरिया की मलोए की छोटी सी मार्केट जो कि ओनली मंडे को ही बहुत बड़ी लगती है, बाकी डे ये इतने से सामान के लिए घर वाले मुझे चौथी से इतना थोड़ा सामान के लिए क्या यार। तो आ चुके घर, अभी आपने देखा नीचे अपने बिल्डिंग में फाइट हो रही थी। क्यों हो रही थी ये मैं बताता हूँ आपको। तो हुआ यूँ कि छक्के आए नीचे, नीचे लड़ाई हो रही मम्मी पता है। तो गाइस नीचे बाहर छक्के आए थे, तो छक्के कितना मतलब अजीब वर्ड लग रहा है बोलने में, तो मतलब आते हैं जिसके घर नवी बहू या कोई मतलब बेबी बॉर्न होता है तो उस बधाई लेने आते हैं, तो बधाई ज़्यादा लेके चले गए जिस वजह से आंटी गुस्सा है। तो गाइस आज हमारा कोई प्लान नहीं था ओली को बाहर नीचे ले जाने का पार्क में, बिकॉज इसे आज इंजेक्शन लगा था। तो क्या कहते हैं, हम सोचे क्या पता इंजेक्शन लगने के कारण सुस्त पड़ी होगी, पर ये सुस्त नहीं है देखो नीचे जाने के लिए। आजा, इसके लिए बहुत ही ज्यादा जगह है खुली घूमने के लिए इसके, लेकिन ये तो पर ये सारा सब कुछ सारा सुकून छोड़ के सारा अच्छी जगह छोड़ के इन घासों में जाना पसंद करती है। हैं? अरे मासूम ये पिएगी, ये मासूम दे दे, लालच दे रही है उसे। अभी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा दे रहा था। क्या पी रही होगी? अरे तो गिलास में ही मुंह डाल दिया है। थक गई घूम के आके, हैं कर ले आराम कर ले। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं नीचे से घूम के, अब फटाफट चलते हैं ओली को खाना देते हैं। तो डॉक्टर ने आज मतलब डॉक्टर से मैं बताया कि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा खा रही है, डॉक्टर ने एक दवाई लिखी थी जो कि इसके पेट में कीड़े हो गए कीड़े मारने की। तो अभी थोड़ी देर बाद खाना खिलाने के बाद इसे देंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन सी दवाई होती है जो पप्पीज़ के पेट में अगर कीड़े हो जाएँ तो आप दे सकते हो। तो पहले से खाना खिलाते हैं, और एक चीज़ और, ये अपना फूड नहीं खा रही है, तो ये भी मैं पूछा था तो उन्होंने कहा कि आप दही खिला के देख सकते हो, दही और रोटी। तो आज हम इसे दही और रोटी देने वाले, तो चलते हैं देखते हैं हमारे दही हुई है। ओली क्या खाएगी? दही खाएगी आज? दही दही तू दही दही तू दही खाएगी ओली मेरी है। गाइस इसकी दही रोटी हमने बना दिया, थोड़ा सा इसके खाने के लिए थोड़ा ही बनाया, पहले ट्राई देखते हैं खा रही कि नहीं। हाथ पे लगा हुआ, ओली से साफ करो। अरे खा रही है दही तो, गुड गर्ल साफ कर दो पूरा। आजा, कम 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 ओली, आजो 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 खा लो। तो गाइस दही तो बड़ी स्पीड से खा रही थी, पर दही रोटी थोड़ा स्लो खा रही है, शायद से पसंद नहीं आया। खा ले ओली ओली, नो ना कर दिया इसने, ले ले ये देख मैं खा रहा हूँ आजा। सो गाइस आज ओली का फर्स्ट वैक्सीनेशन डे था, तो ओली वैसे मतलब और पैट्स से अच्छी थी क्योंकि वहाँ कई तरह के छोटे छोटे पैट्स थे जो कि मतलब काफ़ी शोर उर कर रहे थे। अंदर मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज वहाँ एक चौकीदार था जो कि वीडियो बनाने ही नहीं दे रहा था। वहाँ पप्पीज तो एक से एक तैयार, एक एक ब्रीड थी अलग अलग, तो वीडियो बना नहीं पाया उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो ज़रूर बना के लाऊँगा। सो गाइस देखा आपने कि अभी ये दही रोटी भी मतलब दही दही खा ले रही है, रोटी ऐसी छोड़ दे रही है, तो अभी शायद इसे रोटी पसंद नहीं है, पर हम इसे वही देंगे क्योंकि डॉक्टर ने हमें वही बोला है, क्योंकि अपना फूड तो खा ही नहीं रही है, उसे तो बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है, बस इसे ये पसंद है हाथ हमारे हाथ खाएगी। सो गाइस ये है वो दवा जो कि अगर आपने पपी पाला और आपका पपी मिट्टी खा रहा हो या
बाहर जाके घास खा रहा हूँ, मतलब उसके पेट में जब कीड़े हो जाते हैं ना, तो वो पपीज अपने यही खाने स्टार्ट कर देते हैं, घास और मिट्टी। तो आज मैंने डॉक्टर को ये बात बताई, तो डॉक्टर ने हमें ये दवा लिख के दिया था जो मेडिकल स्टोर से हमने लाया, रोटल नाम से ये। तो इसमें एक ये इतनी बड़ी शीशी है और एक ड्रॉपर मिलेगा आपको, जिसमें जो मतलब केजी के हिसाब से कितने केजी का आपका पप्पी है उस हिसाब से आप ml में लेके जितना है, मतलब केजी एक ml 1 kg पप्पी को दे सकते हैं हम, तो जितने केजी का आपका पप्पी है उतने उस हिसाब से आप अपना ml दे सकते हो। तो आज हम उसे देंगे नहीं, बिकॉज आज उसे इंजेक्शन लगा है, वैक्सीन लगी है, तो क्या पता कोई रिएक्शन हो जाए दो दवा, तो इसलिए हम आज उसे नहीं देंगे, कल देंगे हम उसे। तो यही था बस जो मुझे आपको दिखाना था। तो ओली ने तो देखा आपने, थोड़ा सा खाना खाया, अब हम खाना खाते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस, ओली ने तो खाना खा लिया है, सो गई है नीचे, ऐसी सोती है कहीं पर भी, तो हम भी खाते हैं। तो आज खाने में बनाए दाल चावल और साग, तो फटाफट खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। रात के बज चुके हैं 1:30, और बाहर देखा आपने जैसा भी मैंने दिखाया वीडियो में, तो बाहर एक्सीडेंट हो गया था, तो ओली सबसे पहले उठ के भोंकने लगी, मैं तो डर गया, सब ही डर गए कि ओली को मतलब कुछ हो गया, पर बाहर एक्सीडेंट हुआ था, कार पलट गई थी। नो तो शुक्र है कि भाई ड्राइवर, एक ड्राइवर ही था, सिंह ऑनर ही था गड्डी का, तो कुछ हुआ नहीं उसे, वो बच गया क्योंकि उसने वो पहले ही जंप कर गया था। तो चलो, ये भी वीडियो, मैं वीडियो एडिट ही कर रहा था, तो वीडियो में मैं ज़रूर डालूँगा। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं आधी रात को, तो बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय, टेक केयर।